नमस्कार दोस्तों, आखिर पूजा के समय क्यों छिड़का जाता है शंख से पानी, इसके फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप। हिंदू धर्म में मंदिरों में सुबह और शाम के समय आरती में शंख बजाने का विधान है। शंखनाद के बिना पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। साथ ही सभी धर्मों में शंखनाद को बड़ा पवित्र माना जाता है। अर्थवेद के चौथे कांड के 10वें सूक्त में कहा गया है कि शंख अंतरिक्ष वायु ज्योतिमंडल और सूर्योदय से युक्त है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कोई भी धार्मिक कार्य शुरू करने से पहले शंख क्यों बजाया जाता है? शास्त्रों में कहा गया है कि शंख की ध्वनि शत्रुओं को निर्बल करने वाली होती है। पुराणों में श्री विष्णु, अर्जुन, देवदत्त आदि के शंख का जिक्र किया गया है। पुराणों के अनुसार पूजा के समय जो व्यक्ति शंख बजाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाता है। शंख ध्वनि का तन मन पर प्रभाव पड़ता है और इससे प्रदूषण को भी दूर करने की अद्भुत क्षमता मिलती है। कहा जाता है कि घर में शंख रखने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। शंख में जल भरकर पूजा स्थान पर रखा जाना और पूजा पाठ और अनुष्ठान के बाद श्रद्धालुओं पर उस जल को छिड़कने के पीछे मान्यता है कि इसमें कीटनाशक शक्ति होती है। साथ ही इसमें जो गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है उसके अंश भी जल में आ जाते हैं, इसलिए शंख के जल का छिड़काव करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, आपकी इस मान्यता के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।